मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को बांका दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम ने बांका सदर अस्पताल परिसर में 13,90,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित मॉडल अस्पताल भवन का उद्घाटन और अनावरण फीता काट कर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मॉडल अस्पताल भवन का निरीक्षण करने के बाद मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, चिकित्सकों के आवासन, निःशुल्क दवा वितरण समेत कई तरह के व्यवस्था की जानकारी पदाधिकारियों से ली। जबकि अस्पताल के ओपीडी आयुष ब्लॉक का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने आयुष ब्लॉक में मरीजों के लिए उपलब्ध निःशुल्क दवा एवं मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ली। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सहायता केंद्र पर स्वास्थ्य मित्र के रूप में सेवारत जीविका दीदियों से भी बातचीत की, जिसमें जीविका दीदियों ने आभार प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री से अपना अनुभव साझा किया और कहा कि यहाँ काम करना उन सभी को बहुत अच्छा लगता है। इस दौरान बांका सदर अस्पताल परिसर में दीदी की रसोई का उद्घाटन सीएम ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका में जीर्णोद्धार कराए गए इंडोर स्टेडियम का भी निरीक्षण किया और इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत कर सुविधा से संबंधित कई जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि पढ़ना काफ़ी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही खेलकूद भी बहुत जरूरी है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक ढंग से होता है। अपने बांका प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरएमके हाई स्कूल परिसर स्थित डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने की बात करते हुए कहा कि हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा है और सरकारी भवनों पर अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा ही अंकित कराया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने जीविका बांका द्वारा संचालित गतिविधियों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 226 दीदियों को व्यवसाय के लिए 83,65,000 रुपये का चेक एवं 2706 जीविका महिला स्वयं सहायता समूह को 81,64,00,000 रुपये का चेक प्रदान किया। मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, लघु जल संसाधन मंत्री, बांका सांसद समेत कई विधायक, विधान पार्षद और बिहार सरकार में अलग अलग विभागों के वरीय पदाधिकारी, भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक, बांका DM एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बुधवार को आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की मौजूदगी में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर DLMT और विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर ALMT के प्रशिक्षण से मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के द्वारा निर्वाचन कार्य के अलावा परीक्षा हॉल में बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश पदाधिकारियों और मास्टर ट्रेनर को दिया गया। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने BPSC समेत तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षा में विशेष सतर्कता बरतने और कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर कई निर्देश पदाधिकारियों को दिया। इसके अलावा जिला और विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों को भी DM ने निर्वाचन और परीक्षा से संबंधित कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान दंडाधिकारी और पुलिस प्रशासन से भी सुरक्षा व्यवस्था और व्यवधान मुक्त माहौल में परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने की बात DM ने कही। मूल्यांकन कार्यक्रम में अपर समाहर्ता महफूज आलम, सदर SDO धनंजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, सिविल सर्जन DCLR, CTDSP समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी और निर्वाचन से संबंधित मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर बुधवार को भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबा बूढ़ानाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने बाबा बृहदेश्वर नाथ को जलाभिषेक कर पूजा की एवं भागलपुर के पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसको लेकर जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कार्यक्रम को लेकर शाहनवाज हुसैन मुंबई प्रवास पर गए थे, लेकिन अचानक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत होने पर इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा शुरुआती उपचार के बाद एंजियोप्लास्टी की गई। संतोष कुमार ने कहा कि शाहनवाज हुसैन न सिर्फ भागलपुर और बिहार बल्कि देश के चर्चित नेताओं में से
एक हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अलग छवि है, जबकि इस कारण पूरे देश में उनके जल्द स्वस्थ होने को लेकर तमाम जगहों पर मंगल कामना और दुआओं का दौर जारी है। वहीं भाजपा नेता आलोक सिंह बंटू ने कहा कि शाहनवाज हुसैन भागलपुर के साथ बिहार के जनप्रिय नेता हैं और उनके हार्ट अटैक की खबर सुनते ही हर जगह उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा समेत सभी धार्मिक स्थलों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों द्वारा पूजा और दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है। मौके पर भाजपा के इंदुभूषण झा, प्राणिक वाजपेयी, विनोद सिन्हा, मनीष दास समेत पार्टी के कई पुरुष एवं महिला कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। हमारे जनप्रिय नेता बिहार के औद्योगिक क्रांति के नायक शाहनवाज हुसैन जी को हार्ट अटैक आया था, इससे पूरे भागलपुर में कार्यकर्ताओं में शोक की लहर थी, सभी लोग दुखी थे। आज हम लोग पूरे भागलपुर जिला समेत पूरे बिहार में उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए रुद्राभिषेक कहीं पर इबादत की जा रही है, सभी कार्यकर्ता मंदिर मस्जिद सभी जगह उनके लिए दुआ कर रहे हैं। पूर्व के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अब बिहार सरकार में उद्योग मंत्री, वर्तमान विधान परिषद और हम सबों के दिलों में राज करने वाले ऐसे सैयद शाहनवाज हुसैन जी कल मुंबई प्रवास पर थे और कल अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था, उसी क्रम में वो जा रहे थे, रास्ते में ही सीने में दर्द की शिकायत हुई और सुखद संयोग है कि मुंबई पहुंचने पर यह उनको परेशानी आई और तत्क्षण जो है लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। जैसे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कल ही उनका जो है उपचार भी किया गया और स्टेंट लगाया गया है और कल से ही जैसे सूचना मिली है पूरे भागलपुर बिहार और देश के अंदर दुआओं का प्रार्थनाओं का दौर चल पड़ा है। भागलपुर का सुल्तानगंज आदर्श मध्य विद्यालय अक्सर न किसी कारण से सुर्खियों में बना रहता है। दरअसल सुल्तानगंज आदर्श मध्य विद्यालय पूरी तरह जर्जर अवस्था में है, जहां पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को हमेशा अनहोनी की आशंकाओं के बीच पठन पाठन का कार्य करना पड़ता है। आलम यह है कि विद्यालय की छत जर्जर होने के कारण उसकी परत और चट्टान छत से टूट कर गिर रहा है, लेकिन अब तक इसके समाधान के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाश पंडित ने कहा कि आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज में फिलहाल कुल 536 छात्र छात्रा नामांकित हैं, जिसके लिए कुल 10 कमरा उपलब्ध है, लेकिन यह कमरा भी जर्जर स्थिति में है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने के दौरान 4 जर्जर कमरा को तोड़ दिया गया था, जिससे कोई घटना ना हो सके, जबकि शिक्षा विभाग को इसकी सूचना देने पर 4 कमरे का आवंटन देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग के द्वारा 4 कमरे के निर्माण के लिए विद्यालय को राशि आवंटित नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल विद्यालय का सभी कमरा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विद्यालय सुल्तानगंज क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ कमरों की संख्या जर्जर है, 10 कमरों में से 4 कमरे किसी तरह काम चलाने लायक है, 6 कमरा बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, छात्रों की संख्या अत्यधिक है, बैठाने में बहुत परेशानी होती है और कभी भी कमरा जो है वह ध्वस्त हो सकता है। पिछले बार जो है डीएम साहब के आदेशानुसार जो है 2 कमरे को तोड़वा दिया गया और 4 कमरे का बताया गया है कि आवंटन आया हुआ है, लेकिन आज तक जो है उसका जो है राशि आई है और कहाँ से बनेगा इसकी भी जानकारी नहीं है। जनता दल यू के युवा नेता आर्यन सिंह ने मंगलवार को पार्टी की प्रमंडलीय स्तर पर आयोजित एक दिवसीय बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश चंद कुशवाहा को अंग वस्त्र और बूके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर आर्यन सिंह ने पूर्व राज्यसभा सांसद काकशा प्रवीण, पूर्व जिलाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव समेत मंच पर विराजमान अन्य नेताओं को भी अंग वस्त्र एवं बूके देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आर्यन सिंह की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती युवा साथियों की जैसे है और इन जैसे युवाओं की बदौलत ही जदयू आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर जदयू नेता आर्यन सिंह ने बताया कि भागलपुर जिले में जदयू को और मजबूत करने के लिए वे अपने युवा साथियों के साथ कड़ी मशक्कत करेंगे, जिससे जदयू के शीर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करके ही बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सके।
भागलपुर के कोतवाली चौक स्थित जैन मंदिर परिसर में परम पूज्य श्री विशल्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बुधवार को भागलपुर दिगंबर जैन समाज के 3 सदस्यों ने 10 लक्षण व्रत धारण किया। बता दें कि जैन धर्म का पावन पर्युषण पर्व चल रहा है, जिसको लेकर जैन समाज की मनीषा पाटनी, नीलेश पाटनी एवं महिना बिना पाक्या ने 10 दिन का कठोरतम उपवास व्रत धारण किया है। इसको लेकर कोतवाली चौक स्थित जैन मंदिर परिसर में इन तीनों व्रतियों के साथ समाज के सभी व्रतियों की अनुमोदना सकल दिगंबर जैन महिला समाज द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष विजय कुमार रारा, पदमचंद पाटनी, जय कुमार काला, सुनील जैन और सुमित जैन के अलावा काफी संख्या में मौजूद जैन समाज के लोगों ने व्रत उपवास धारण करने वालों की अनुमोदना की।